दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल आरएस अपनी प्रॉपर्टी, हमारा सपना सबका घर होगा अपना। तो दोस्तों फिर से आ चुके हैं एक 3 BHK बुलबुल का बच्चा लेकर के, जो कि आपको पसंद आने वाला है। दोस्तों आज रहेगा सेक्टर 125 यानी के जलवायु टावर के जस्ट पास में। सबसे बड़ी चीज दोस्तों, यहां पर रहेगा 3 BHK फ्लैट 138 गज में, यानी कि 138 गज में रहेगा। इसके ठीक सामने अगर मैं सोसाइटी की बात करूं तो दोस्तों यहां पर आ जाएगी 125 गज के 3 BHK फ्लैट, जिनमें मैं बात करूं तो टोटल 11 यूनिट्स बाकी रहेगी। और 138 जो गज में फ्लैट है, इसमें अभी ज्यादा तो नहीं, 2 से 3 यूनिट बाकी है। तो अगर आपका सपना है 3 BHK का, फटाफट से आ जाइए और बुक कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अंदर चले गए, अंदर चल के सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आज आपको ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि स्पेस काफी अच्छा खासा रहेगा। तो यहाँ पर जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ का व्यू आप देखेंगे दोस्तों, मतलब स्पेस, सबसे पहले मैं आपको स्पेस दिखाना चाहूँ तो स्पेस देखिएगा, बहुत ज्यादा, बहुत खुला डुला स्पेस आपको मिल जाता है, क्योंकि 138 गज कम नहीं होता दोस्तों, बहुत ज्यादा स्पेस अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पर सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर ड्राइंग डाइनिंग एरिया आ जाएगा आपका, जहां पर अगर मैं बात करूं 7 सीटर सोफा भी आप लगा दे, मतलब एल शेप में, यहां से लेकर दोस्तों एल शेप में सोफा यहां पर आ जाएगा। 7 सीटर सोफा लगने के बाद भी स्पेस काफी बच जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर ड्राइंग डाइनिंग का एरिया जो है आपका अच्छा खासा दे दिया है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर बात मत करूं तो 3D वॉलपेपर यहाँ पर आपको दिया गया है, लेकिन 3D वॉलपेपर कस्टमाइज रहेगा, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो उसको कस्टमाइज करा देंगे। एक स्विच यहाँ पर दे दिया गया है, एसी की प्रोविजन यहाँ पर दे दी गई है आपको दोस्तों, एसी वगैरह लगानी वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर 3D वॉलपेपर आगे तक कवर किया गया। उसके साथ यहाँ पर ड्राइंग डाइनिंग एरिया की आप देखेंगे फॉल सीलिंग का जो काम किया गया वो बेहतरीन तरीके से काम किया गया, लुकिंग अच्छी आ रही है। सेमी फर्निश रहेगा दोस्तों, सेमी फर्निश के अंदर ये फॉल सीलिंग आपके आने वाली है, लेकिन सोफा वगैरह नहीं आएगा, अगर ये आपको चाहिए तो ये इंक्लूड हो जाएंगे। अब उसके बाद अगर यहाँ पर मैं बात करूं दोस्तों डाइनिंग टेबल्स लगाने की, यानी कि 5 सीटर डाइनिंग टेबल्स भी आप लगाते हैं तो स्पेस काफी फिर भी आपको बच जाएगा, यानी कि 5 सीटर डाइनिंग टेबल्स आराम से इजिली यहाँ पर इंस्टॉल हो सकता है। सामने दे दिया दोस्तों आप एलईडी पैनल, एक एलईडी पैनल इंक्लूड रहेगा, चाहे तो आप ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया में ले लीजिए, चाहे अपने मास्टर बेडरूम में ले सकते हैं, एक एलईडी पैनल इंक्लूड रहेगा। एलईडी पैनल की आप देख रहे हैं एजेटिक आपको मिलने वाला है, फिनिशिंग देखिए शानदार, वुडन का इस्तेमाल किया गया बेहतरीन, यानी कि वो नहीं है जैसे बोलते हैं ना नॉर्मल बोर्ड नहीं है, वुडन है प्रॉपर, तो वुडन का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर एक स्विच, सेकेंड स्विच यहाँ पर दे दिया गया है, अच्छा खासा स्पेस रहेगा। अब उसके साथ साथ दोस्तों यहां पर अपना पहला बेडरूम में हम चलो एंटर कर लेते हैं, उसके बाद किचन कवर करेंगे। तो यहां पर पहले बेडरूम में अगर हम आएंगे तो सबसे बड़ी चीज यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, इसको साइज देखिए, मतलब किंग साइज डबल बेड लगने के बाद भी स्पेस आपको इतना ज्यादा मिल जाएगा, मतलब आपको मजा आ जाएगा। अगर मैं दोस्तों नॉर्मली बात करूं, अगर सिंगल दीवान आपने यहां पर डाला हो ना, इजिली डल सकता है, मतलब इतना स्पेस बचा हुआ, सिंगल दीवान यहां पर डल जाएगा। यहां पर विंडो दे दी गई है आपकी, ताकि वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम आपको ना आ सके, विंडो यहां पर दी गई है आपको, सेकंड विंडो यहां पर दे दी गई है, वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना आ सके, ग्लास यहां पर दिया गया है ताकि बाहर का नजारा का आप मजा ले सके, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों मैं बात करूं यहां पर देखिए फॉल सीलिंग का जिस तरीके से काम किया गया, ये सेम एजेटिक आपको मिलने वाला है, एजेटिक जैसा आपको दिख रहा है उस तरीके का रहेगा। सामने यहां पर एलईडी पैनल का स्पेस दिया गया दोस्तों, यहां पर एलईडी पैनल आप यहां पर इंस्टॉल कर सकते हैं, आप चाहे तो एलईडी पैनल यहां ले सकते हैं, यहां दे देंगे, बाहर चाहे तो बाहर मिल जाएगा, एक एलईडी पैनल आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों रूम साइज की बात करूं तो 10.5 x 12 का रूम साइज रहेगा, जो कि खुला डुला स्पेस के साथ है, मतलब आप खुद देख सकते हैं दोस्तों वीडियो में, किंग साइज डबल बेड लगा हुआ है, उसके बाद भी स्पेस काफी बचा हुआ अपने पास। यहां पर आ जाएगा दोस्तों अपना अटैच वॉशरूम, अटैच वॉशरूम की मैं बात करूं तो यहां पर देखेगा 5x7 का अपना वॉशरूम का साइज रहेगा, 5x7 का रूम, मतलब उसका साइज रहेगा थोड़ा सा ये देखिए। उसके साथ साथ दोस्तों यहां पर सेरा कंपनी की सैनिटरी मिल जाएगी, ठीक है, यहां पर सेरा कंपनी की सैनिटरी हो गई, यहां पर आपका गीजर की फिटिंग आ गई और यहां पर विंडो दी गई है ताकि वेंटिलेशन की प्रॉब्लम आपको ना आ सके, स्पेस काफी अच्छा दिया गया, 8 फीट ऊपर तक टाइल्स को कवर किया गया ताकि नमी वगैरह की प्रॉब्लम ना आ सके। तो ये तो रहा दोस्तों फर्स्ट बेडरूम, जहां पर यहां पर वॉलपेपर भी रहेगा दोस्तों, वॉलपेपर 3D कस्टमाइज रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया था ऐसी की प्रोविजन दी गई है, 3D वॉलपेपर कस्टमाइज रहेगा, अगर आप चाहते कि नहीं सर ये अच्छा नहीं लग रहा तो उसको चेंज करा देंगे। अब चलते हैं हम अपने किचन में, तो यहां पर देखिए दोस्तों जैसे ही हम लोग अपने मतलब बेडरूम में यहां पर एंटर करते हैं, उसके लेफ्ट साइड में हमारा किचन आ जाता है। किचन का आप देखेंगे तो 7x12 का साइज रहेगा, जो कि एक खुला स्पेस के साथ है, मॉड्यूलर किचन होने वाला है दोस्तों, एजेटिक जिस जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही मिलने वाला है आपको। ये यहां पर आप देखिए सारा काम करके दिया गया है, यहां पर देखिए ग्लास लगा के दिया गया है, यहां पर कंप्लीट सेटअप पूरा, मतलब यहां पर आप देखिएगा पूरा बेहतरीन वाला, मतलब हाथ दबने का कोई खतरा यहां पर नहीं रहेगा, ये सारी चीजें बेहतरीन जिस तरीके से आप देख रहे हैं एजेटिक आपको ये इस तरीके से दोस्तों यहां पर मिलने वाला है।
यहां पर सारा मॉड्यूलर रहेगा प्रॉपर। स्पेस आप देखिए दोस्तों, मतलब यार यहां से लेके वहां तक कितना स्पेस मिल गया आपको, मतलब दो चूल्हे भी आप रख लो ना दोस्तों तब भी स्पेस काफी बच जाएगा। यहां पर देखिए गैस की फिटिंग दे दी गई है ताकि आप अपने चूल्हे को गैस से कनेक्ट कर सके। स्विच यहां पर दे दिया गया, पहला सेकंड स्विच यहां पर दे दिया गया दोस्तों, थर्ड स्विच यहां पर दे दिया गया है, फोर्थ स्विच यहां पर दे दिया गया है। उसके साथ साथ गीजर वगैरह की फिटिंग, आरओ की फिटिंग यहां पर आपको मिलने वाली है। वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना आए दोस्तों, यहां पर एक विंडो आपको दी गई है। विंडो के साथ साथ दोस्तों यहां पर ग्लास दिया गया ताकि आप बाहर का कुछ भी कोई आ जा रहा है वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ हम बात करें दोस्तों सिंक की, तो यहां पर सिंक रहेगी जो कि साउंडलेस सिंक रहेगी, सिंक की कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं रहेगी। सारी चीजें मॉड्यूलर एजेटिक जैसी आपको दिखाई दे रही वैसे ही मिलेगी। इसमें चिमनी इंक्लूड नहीं रहेगी दोस्तों, वेंटिलेशन के लिए चिमनी का जो है यहां पर आप लग इंस्टॉल रहे, मतलब अगर आप चाहे तो वह एक्स्ट्रा कॉस्टिंग उसकी पे करनी पड़ेगी, चिमनी आपको लग जाएगी या तो आप खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको सिर्फ एजेटिक जैसा ही दिखाई दे रहा वैसा ही किचन मिलने वाला है। अब चलेंगे दोस्तों हम सेकेंड बेडरूम की तरफ, तो और सेकंड बेडरूम यहां पर कवर करेंगे। यहां पर आप देखेंगे दोस्तों अगर आप चाहे, जैसे कि ये थोड़ा सा स्पेस मैं आपको दिखा दूं, यहां पर अगर आप पूजा रूम बनाना चाहे तो एक छोटा सा मतलब स्पेस ये कवर किया है ताकि यहां पर आप पूजा रूम बनाना चाहे या कोई स्टडी टेबल आप रखना चाहे तो वो आप यहां पर कर सकते हैं, यहां पर छोटा सा स्पेस आपको मिल जाता है। अब आए थे हम सेकंड बेडरूम की तरफ, तो यहां पर ये हमारा रहेगा सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम की बात करूं तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे 3D वॉलपेपर सबसे पहले यहां पर रहेगा जो कि कस्टमाइज रहेगा, अगर आप चाहे तो इसको चेंज करा सकते हैं। डबल बेड की मैं बात करूं, किंग साइज डबल बेड लगने के बाद स्पेस यहां पर भी आप देखेंगे एक दीवान इजिली इंस्टॉल हो सकता है, मतलब सिंगल दीवान आप आराम से लगा सकते हैं। LED पैनल यहां पर दिया गया, LED पैनल इंक्लूड रहेगा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप चाहे तो बाहर ले सकते हैं या अंदर ले सकते हैं, वो इंक्लूड रहेगा। स्पेस काफी मिलेगा दोस्तों क्योंकि इसका रूम साइज होने वाला है 10.5x11.5 का रूम साइज रहेगा जो कि एक अच्छा खासा रूम साइज रहता है। सामने दोस्तों आपकी कवर्स आ जाएगी, कवर्स की मैं बात करूँ तो दोस्तों ये इंक्लूड रहेगी आपको एस्थेटिक। यहाँ पर ड्रेसिंग रहेगी जहाँ पर रैक दे दी गई है आपकी, उसके बाद नीचे यहाँ पर रैक वगैरह दे दी गई है ड्रेसिंग में। अगर कवर्स की बात करूँ स्लाइड कवर्स दोस्तों आपके आ जाएगी, अगर आप स्लाइड वाली नहीं चाहते खुलने वाली चाहते तो वो आपको कस्टमाइज करा देंगे, ऊपर तक कवर रहेगा दोस्तों। फॉल सीलिंग का काम एस्थेटिक जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा वैसा ही मिलने वाला है, आपको कोई चेंजेस नहीं रहेगा इसमें। उसके साथ साथ दोस्तों यहां पर भी विंडो दी गई है आपके ताकि वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना आ सके, बाहर का नजारे का मजा ले सके। ये मास्टर बेडरूम रहेगा आपका, तो उसके बाद थर्ड बेडरूम भी विजिट कराऊंगा। उसके पहले यहां पर आप देखेंगे दोस्तों ये आपका आ जाता है अटैच वॉशरूम। फिर से अटैच वॉशरूम में यहां पर मैं बात करूं, थोड़ा सा भी लाइटिंग का काम चल रहा है तो यहां पर भी एजेटिक जैसे मैंने आपको दिखाया था सेरे कंपनी की सैनिटरी रहेगी दोस्तों। उसके साथ साथ टाइल्स 8 फीट ऊपर तक टाइल्स कवर की गई है, मतलब वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना, इसलिए विंडो दी गई है और यहां पर एसी की प्रोविजन दे दी गई है दोस्तों। अब चलेंगे हम थर्ड बेडरूम में, तो ये आ जाएगा हमारा थर्ड बेडरूम दोस्तों। ये हमारा आ गया दोस्तों थर्ड बेडरूम, जहां पर स्पेस की मैं बात करूं तो सेम स्पेस होने वाला 10.5x11.5 का रूम साइज रहेगा। दीवान लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, स्पेस काफी मिल जाएगा। स्विच की बात करूं तो एक स्विच, दो स्विच, तीन स्विच, चार स्विच, चार स्विच यहां पर मिलने वाले हैं दोस्तों आपको। किंग साइड वॉल बेड लगने के बाद स्पेस काफी बच जाएगा, 3D वॉलपेपर आ जाएगा और जैसे मतलब आप देख रहे हैं फॉल सीलिंग का काम एज इट इज आपको सेम मिलने वाला है, यहां पर भी फॉल सीलिंग का काम सेम मिल जाएगा आपको। उसके साथ साथ दोस्तों जैसे मैंने बात की थी आपको ड्रेसिंग यहां पर आ जाएगी, ड्रेसिंग की रेक सामने एज इट इज मिल जाएगी आपको, कवर्स एज इट इज आपको मिलने वाला है, यानी कि डबल बेड तो नहीं मिलेगा लेकिन ये आपको एज इट इज मिल जाएगा दोस्तों। फॉल सीलिंग का काम आ जाएगा, 3D वॉलपेपर आ जाएगा, एसी की प्रोविजन दी गई, ये आपको इसमें एसेटिंग मिलने वाली है। यहां पर दोस्तों आपका अपना फिर से वही मैंने बात किया अटैच वॉशरूम आ जाएगा। अटैच वॉशरूम में दोस्तों अपना थोड़ा सा लाइटिंग का काम अभी चल रहा है तो यहां पर 8 फुट ऊपर तक टाइल्स रहेगी, सेरा कंपनी की सैनिटरी रहेगी, विंडोज दी गई है वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ताकि ना हो सके। यहां पर दोस्तों अपना आ जाएगा वॉशिंग एरिया, तो चलिए वॉशिंग एरिया भी आपको दिखा देता हूं। यहां पर देखिए मतलब एक मैं बोलू ना दोस्तों आप मतलब इतना खुला स्पेस यार, मतलब एक रूम की जगह दे दी पीछे पूरी, इतना खुला वॉशिंग एरिया है कि वॉशिंग मशीन रखने के बाद बहुत ज्यादा स्पेस आपको बच जाता है। यहां पर वाटर टैंक सीवरेज वगैरह की प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी, देखिए अलग से दे दी गई है ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आ सके यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। उसके साथ साथ अगर यहाँ पर आप गार्डनिंग करना चाहे तो गार्डनिंग इजिली आप यहाँ पर कर सकते क्योंकि स्पेस काफी है। वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी क्योंकि स्पेस देखिए पीछे बहुत ज्यादा स्पेस है, ऊपर पूरा खुला हुआ है तो वेंटिलेशन की प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं रहने वाली। हाँ, इसको अगर आप कवर करना चाहे तो यहाँ पर लोहे की मतलब कोई भी आप अपनी जाली वगैरह लगा इसको कवर कर सकते हैं, पूरा सिक्योर इसको कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों आज का 3BHK बुलबुल का बच्चा, यानी कि जिसमें मैंने कवर किया दोस्तों कि आपका तीन बेडरूम, सारी चीजें आपको बताने की कोशिश की है।
क्या क्या चीज मिलेगी फिर से बता देता हूं दोस्तों। इसमें एजेटिक फॉल सीलिंग का काम आपको एजेटिक मिलने वाला है। एलईडी पैनल की बात करूं, चाहे आप ड्राइंग डाइनिंग एरिया में ले लीजिए या आप रूम में ले लीजिए दोस्तों, फॉल सीलिंग का काम मिलेगा। मॉड्यूलर किचन मिलेगा दोनों रूम में, तीनों रूम में, दोनों रूम में कवर्स मिलने वाले हैं आपको, ये इंक्लूड रहेगा। एक्स्ट्रा कुछ आप चाहते हैं मतलब सोफा वगैरह या डबल बेड, वो कॉस्टिंग उसकी जो होगी वो आप पे करनी पड़ेगी। अब बात कर ले दोस्तों इसकी प्राइस की, और लोकेशन मैंने बताया था कि सेक्टर 125 जलवायु टावर के जस्ट पास में ये रहेगा दोस्तों। सोसाइटी बेहतरीन है, 138 गज के फ्लैट के ठीक सामने 125 गज के फ्लैट आए थे, जहां पर 11 फ्लैट अभी बाकी है दोस्तों 3 BHK के। टोटल प्राइस की मैं बात करूं तो इसका प्राइस रहेगा दोस्तों 35,90,000 का इसका प्राइस रहेगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो दोस्तों इसमें आप सभी प्रोसेस 3.5 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट करेंगे, बाकी बचा 90% उसका लोन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 90% तक लोन भी करा देंगे। अगर आपका सिविल स्कोर सही है तो 100% तक भी लोन हो सकता है। अगर आप मार्च के महीने से पहले पहले लेते हैं तो दोस्तों आपको जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो फायदा 2,67,000 रुपये का वो ही मिल जाएगा, क्योंकि मार्च के बाद मैं भी शायद बंद हो जाए, तो फटाफट से आप ले लीजिए ताकि 2,67,000 का बेनिफिट भी आपको मिल सके। 3.5 लाख से 4 लाख रुपये आपको देने हैं, फ्लैट आपका अपना हो जाएगा, 90% लोन करा देगा, 125 सेक्टर के जस्ट पास, जलवायु टावर के जस्ट पास में पड़ेगा। हाईवे की बात करूँ दोस्तों तो हाईवे यहाँ से सिर्फ 600 मीटर की दूरी पर आ जाएगा, गोपाल स्वीट्स, KFC और आपका बीकानेर वाला या CCD यहां से जस्ट और जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर आ जाएगा दोस्तों। यानी कि हाईवे पास में, माइन मार्केट पास में, गोपाल स्वीट KFC पास में, सनी इनक्लेव से न्यू चंडीगढ़ जो रोड निकला है 4 लाइन वाला रोड, वो यहां से 1 किलोमीटर की दूरी पे, यानी कि चंडीगढ़ जाना तो जस्ट पास में पड़ जाएगा। हिमाचल जाना है वहां पर, मतलब कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूं, आपने दोस्तों लुधियाना जाना है, आनंदपुर साहिब जाना है, हिमाचल जाना है, और आपने कहीं भी मतलब जाना है तो यहाँ से सारी कनेक्टिविटी बिल्कुल पास में पड़ जाती है दोस्तों। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जाना है, पंजाब यूनिवर्सिटी जाना है, एयरपोर्ट रोड बिल्कुल पास में पड़ जाएगा, तो ये सारी मतलब फैसिलिटी पास में पड़ेगी। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नंबर दिया गया, आप डायरेक्टली कॉल करके पता कर सकते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट्स करो, शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।